और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है देश के राज्य पंजाब से, जहां चुनाव पहले 14 फरवरी को होना तय पाए गए थे, लेकिन अब जो बयान नया सामने आ रहा चुनाव आयोग का, उसके मुताबिक मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि पंजाब में अब चुनाव 30 फरवरी को होंगे। इसके पीछे जो मुख्य कारण बताया जा रहा है वो कुछ इस तरह से है कि पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया 16 फरवरी को गुरु रविदास जी की जयंती पंजाब में धूमधाम से मनाई जाती है। हर साल की तरह इस साल भी पंजाब से लोग बनारस उनकी जयंती को मनाने के लिए जरूर जाएंगे, तो इसका असर कहीं ना कहीं चुनाव पर साफ पड़ेगा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पंजाब के चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया। लगातार मीटिंग चलती रही, मीटिंग के बाद आखिर ये फैसला लिया जा चुका है कि अब पंजाब में चुनाव 20 फरवरी को होंगे। मैं अपने दर्शकों को जरूर ये बताना चाहूंगा कि ये पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी मणिपुर में एक स्थानीय ईसाई पर्व के कारण चुनाव की तारीख को टाला गया था। इसके अलावा झारखंड में भी एक बार ऐसा हुआ था कि एक स्थानीय पर्व चुनाव के तारीखों के ऐन मुताबिक आ गया था, उसके बाद चुनाव की तारीखों को टाल दिया गया था। सबसे मजे की बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इस फैसले का समर्थन सभी राजनीतिक दलों ने खुलकर इस फैसले का स्वागत किया है। सभी ने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी है कि इस फैसले से सभी राजनीतिक दल और सभी राजनेता कहीं ना कहीं खुश होंगे, बल्कि खुश क्यों ना हो, क्योंकि चुनाव में अब 6 दिन जो उनको और मजीद बढ़ गए, 6 दिन का जो इजाफा हुआ है, ये कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में फायदा जरूर पहुंचाएगा। इसी तरह से चुनाव में जो मतदाताओं की संख्या है वो कम होने की आशंका लगाई जा रही थी, इस पर्व के कारण वो संख्या भी कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी। इसी तरह की जानकारी के लिए आप देखते रहिए DNN न्यूज। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग द्वारा पंजाब दी चोणां नूं 14 फरवरी जगह 20 फरवरी करन दा स्वागत करती है, क्योंकि 16 फरवरी नूं गुरु रविदास जी की जयंती है और पंजाब की बहुत सारी संगत जिहड़ी हैगी है वह बनारस जाती है उस दिन, तो ये वोटों की डेट 14 होने करके और 16 नूं रविदास जी की जयंती होने करके आपस दे विच बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी संगत नूं। सो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर इलेक्शन कमीशन का आभार भी व्यक्त करती है कि उसने इस सेंसिटिविटी समझिया, लोगों की भावनावां समझिया और साडी बेनती प्रवान किया और डेट नूं पोस्टपोन किया, इसका असीं स्वागत करते हैं। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.